नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज और एक बार फिर से सीधी बात के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम पहुंचे एक नए शख्स के पास और नए शख्स के साथ आपको मिलाएंगे, लेकिन मिलाने से पहले एक बात बताते हैं। ये शख्स अलग है इसलिए क्योंकि प्रदेश में जहां विखंडन की राजनीति गर्म है और जहां धर्म और जाति के नाम पर बांटने का काम बहुत तेजी से हो रहा है, वहां ये व्यक्ति जोड़ने का काम कर रहा है, एक दूसरे को एकात्मकता का पाठ पढ़ा रहा है। हम बातचीत करेंगे रफी अहमद से। सौरनगर क्षेत्र से इस समय प्रभारी है बसपा से, लेकिन आप बसपा थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, थोड़ी देर की राजनीति हटा दीजिए, थोड़ी देर की रफीक अहमद से मिलिए और रफीक अहमद को जानिए कि इन्होंने पिछले 7 साल से हजरत मलिक वेलफेयर नाम की एक सोसाइटी चलाई है। उस सोसाइटी के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं और खास बात यह है कि एक होने का पाठ पढ़ाया है, एक साथ चलने का पाठ पढ़ाया है। मंदिर भी इन्होंने निर्माण कराए हैं और मस्जिदों में माथा टेका है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बातचीत करेंगे। इसके पीछे का मकसद क्या है, बसपा पकड़ने के पीछे का मकसद क्या है, राजनीति में आने के पीछे का मकसद क्या है और समाज सेवा की है ललक, ये थलक, ये सलीका और ये पूरा तनावा क्यों सोच रहे हैं, बस थोड़ी देर। नमस्कार, हाजिर है हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हमारे साथ उपस्थित हैं रफीक अहमद। कुछ देर पहले आपने कुछ तस्वीरें देखी रफीक अहमद की, उन सारी तस्वीरों से थोड़ी सी बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब सीधे मिलते हैं रफीक अहमद से। जी नमस्कार, सीधी बात के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न होता क्या है कि राजनीति में कई लोग जब आते हैं तो उनके पीछे का मकसद होता है मंच, माला, तालियां, वो उनके अंदर एक अभिलाषा अलग होती है, वो चाहते हैं कि राजनीति को समाज से इतना छोड़कर एक व्यापारिक तरीके से वो उतरते हैं और व्यापार पर इस्तेमाल करते हैं और उस तरह काम। आप जब राजनीति तो क्या है आपके अंदर भी यही सब मन था कि मंच मिल जाए, तालियां और फिर लोग लालच पर सब कुछ? नहीं, लोग तो हमारे पास बहुत हैं और हमने 10 साल लोगों में गुजारे, लोग मोहब्बत हमारे साथ बहुत है। ये है कि राजनीति को हमने समाज सेवा करने के लिए ही चुना है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं राजनीति में बहुत आगे जाऊँ। अगर मेरे रास्ते में समाज सेवा के रास्ते में राजनीति आती तो राजनीति, यानी कि आप सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में समाज सेवा आपका आधार है, जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं उसको समाज सेवा से। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप समाज सेवा के लिए उतरे तो बसपा क्यों, और बसपा ही नहीं अगर आप सपा में होते तो मेरा प्रश्न ही होगा, भाजपा में होते तब भी, क्या समाज सेवक समाज सेविता के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजनीति में जाना जरूरी है, और राजनीति में जाना जरूरी भी है तो क्या बसपा है या अन्य पार्टी को जाना जरूरी है? पकड़ा तो क्यों पकड़ा? देखिए, जब मैंने इस चीज़ का एहसास किया कि लोगों में बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत गरीबी है लोगों में, और मैं सीधे इससे पार नहीं पाऊँगा, तब मैंने राजनीति का काम पकड़ा। BSP मैंने ये ज्वाइन की कि BSP एक मात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के गरीब दबे कुचले लोगों के लिए हित के बारे में सोचती है, काम करती है। बड़े आरोप लगे लेकिन इसे भी अभी देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो आरोप क्या उनके लोगों ने लगाए, वो निकल कर जब बाहर आए, चाहे वो आरके चौधरी हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, तो निकल कर तो उन्हीं के दल से आए। देखिए अभी वो तो जो शुरू से लेकर अब तक काम कर रहे हैं सारे लोग आरोप लगा। हाँ भाई साहब, देखिए मैं ज़्यादा गहरा भी इसलिए नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं 6 महीने तो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पीछे के बारे में कुछ मालूम है। फिर देश की एकमात्र पार्टी को सवाल नहीं बनता? देखिए मात्र मैं इसलिए बोलता हूँ आपको लगता है जो मुझे एहसास है। देखिए मेरे सीधे तौर पर मैं बोलता हूँ कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, समाजसेवी हूँ। आपको जिस दिन ऐसा लगेगा कि नहीं बसपा उस तरीके से काम करने वाला दल नहीं है जिस तरीके से आप करना चाहते, तो आप छोड़ देंगे? हाँ छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बसपा भी छोड़ दूंगा मैं, अगर मुझे फ्रीडम नहीं मिलती है। फ्रीडम नहीं, आपकी जो विचारधारा है, बस वही विचारधारा अगर नहीं मिली तो निश्चित रूप से हाँ निश्चित छोड़ देंगे ये बात। हाँ लेकिन कोई आरोप प्रत्यारोप के साथ साक्षी चाहिए, साक्षी मुझे साक्ष चाहिए, लेकिन मुझे जो एहसास होता है, देखिए मेरा अनुमान है कि एक कौम हम अगर अल्पसंख्यकों पे आ जाएं तो इस कौम ने हिंदुस्तान पे 700 साल राज किया और इतनी बेहतरीन कौम होने के बावजूद भी आज धरातल पे इतने नीचे स्तर पे है
और वो कौम जो जिसको एक साफ सुथरी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जीने का अधिकार भी नहीं था, आज वो कौम समाज में बराबर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का काम इसमें तो है। चलिए अगला प्रश्न आपसे, चाहिए दल वाली बात। आप हजरत मलिक वेलफेयर चलाते हैं सोसाइटी, समाज सेवा क्षेत्र बड़े काम, और मैंने बहुत सुना है इस बारे में, इसमें कोई दोहराय नहीं कि 7 वर्षों में आपने हजारों से लाखों तक लोगों तक अपने अपने आप को या संस्था को पहुंचाया, बात तो सही, लेकिन आखिर इसका गठन क्यों करना पड़ा, क्यों सोचा, कहाँ पर ये आपके अंदर ललक पैदा हुई कि नहीं अब इसको ऐसा गठन करके और इस तरीके से काम किया, ऐसी क्यों? हाँ, ये बात, ये सवाल है आपका। दरअसल ऐसा है कि मैं एक ऐसे समाज से हूँ जो एक वक्त में अपने बचपन में हमने शायद बहुत महीने कहने या कई साल ठीक से दो टाइम खाना भी नहीं खाया है। ऐसे घर से हूँ, ऐसे समाज से हूँ, और मेरे फादर जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मजदूरी करके, मशक्कत करके किस तरह हम 8 भाई बहनों को पाला। फिर उसके बाद में जब मैं, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, तो मैंने सबसे पहले अपने उन भाई बहनों की तरफ देखना ज़्यादा बेहतर समझा जिस समाज से मैं उठ गया है, और मेरे लिए सर्वोपरि वही है। मुझे रात में अगर नींद नहीं आती है तो आप यकीन करिए, इसलिए नहीं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, बल्कि इसलिए कि उन बच्चों का क्या होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सर सोचता नहीं कोई। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखा, आपने कहा कि बहुत संघर्ष करते हुए जब आपने यात्रा तय किया, मुकाम तय किया, तो आपको लगा कि भाई उन लोगों के लिए काम किया जाए जो हमारे तरह जीवन व्यतीत करते थे, जैसे मैं आप करते थे उस तरह आज वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या लगता नहीं है आज के समय में मात्र से मुश्किल है, अब बड़ा कुछ करना पड़ेगा, क्या चुनावी अखाड़े में उतरेंगे आप? देखिए, हम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और कोई हम इकलौते नहीं है जिसने ये सोचा, या हमसे पहले बहुत से लोग इस भारत की धरती के ऊपर जन्मे और उन्होंने लोगों के लिए सोचा, और हम संघर्ष करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। अच्छा, ज़रूरत पड़ी तो निश्चित रूप से। अच्छा, एक बात, ये सारी बात तो ठीक है, भाईचारे की बात आपके पास बहुत नज़र आई, आपने जब भी कोई कार्यक्रम किया तो उसमें भाईचारे शब्द का प्रयोग था, यह भावना आखिर ये क्यों बताना पड़ रहा है आज की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, आखिर ये क्यों बताना पड़ रहा है उस देश में जहाँ लोकतंत्र कायम है, जहाँ संविधान हमेशा अखंडता की बात कहता है, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लोगों ने एकता की बात उस देश में फैला रखी थी, और कई बार इस तरह इस क्षेत्र में काम भी प्रमाणित हुए, आज उस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस पर जोर देकर बताना पड़ रहा है, क्या लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन इसमें जहाँ तक अगर मैं कमी देखता हूँ तो गार्जियन में देखता हूँ, बच्चों के गार्जियन में ये आज के दौर में बहुत बड़ी कमी है, और प्राइमरी टीचर और शिक्षा की कमी कैसे, राजनीति का एक बड़ा अहदे वाला व्यक्ति एक बड़े मन से लाखों लोगों के बीच में पूरे भारत की मीडिया के जो कवर कर रही है उसके सामने बोलता है कि राम ऐसे हैं तो हिंदू ऐसे हैं तो मुसलमान वैसे हैं, तो ये लगता नहीं विखंडन की राजनीति है, उससे देश के लोगों के मानसिकता बदल? नहीं, वो उनके अंदर मैं मान लेता हूँ कि वो स्टेज से विखंडन की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में तो विखंडता नहीं आई, क्योंकि हमारे गार्जियन ने, हमारे दादा, मैं आपको बताऊँ, मेरे दादा बचपन में इतनी बेहतरीन रामायण हम लोग को सुनाया करते थे, और पूरी जिंदगी कभी हमने उनको राम को राम जी के बिना नहीं सुना, और सीता जी को सीता जी के बिना नहीं सुना, इतना आदर मेरे बाबा किया करते थे, और जब ये बच्चों से मिलता है तब वो बताती है। हमारी तो होली और ईद इस सरोजगर में क्या माने, हमारे क्षेत्र में मशहूर है, हमसे अच्छी दिवाली कोई नहीं मनाता, यानी एकता के लिए आप हमेशा काम दे सकते हैं। अच्छा, ये आपका लगता है देश में इस एकता की भावना को और जागृत करने की जरूरत है? इसमें बहुत, दरअसल सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो लोग बहुत बड़े बड़े प्लान बता रहे हैं, बुलेट ट्रेन और ये वो लोग, मेरे ख्याल से नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जरूरत है तो भारत की
एकता और अखंडता पे बहुत जोर देने वाला है और शायद हमारे पास सब कुछ हो जाए और अगर एकता नहीं रही तो कुछ नहीं रहेगा, अगर हमारे अंदर एकता है तो हमारे पास सब कुछ है। देश की सबसे बड़ी ताकत एकता है तो बात सकते हैं, लेकिन क्या इस समय की राजनीति एकता वाली हो रही है? देखिए, राजनीति और एकता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एकता तो देश में है, एक चीज को याद रखिएगा, एकता तो आज भी देश में है, तभी 18-20% अल्पसंख्यक और 80% अन्य। तो अगर ये देश में अमन चैन है तो एकता तो है। तो फिर आपकी ये जो इलाहाबाद के सांसद, इलाहाबाद कह रहा हूँ, हैदराबाद के, वो बार बार भारत माता की जय नहीं कहूँगा, फिर वो तीन तलाक पे अलग बहस करते हैं, तमाम ऐसी बातें जहाँ पर लगता है कि अब आजम खान जी कई ऐसे बयान दे देते हैं बीच बीच में, कैसा लगता है? ऐसे इधर से योगी जी कभी मोहन भागवत ऐसे बयान दे देते हैं जिसमें लगता है कि देश विखंडन की ओर जा रहा है। क्या लगता नहीं है कि बयानबाजियों से, अगर एकता की आप बात कर रहे हैं कि नहीं देश में एकता, देखो किसी भी मैं और किसी को तो मैं नहीं कह सकता और उनके मन में क्या है ये भी मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं सिर्फ अपने मन की बात कह सकता हूँ कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न मेरा आपसे, हजरत मलिक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से अब तक कितने ऐसे काम हुए आपके हिसाब से कि हाँ वो जनता तक पहुँचे? कौन कौन से हजरत मलिक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ऐसे कौन कौन से काम हुए हैं जो जनता तक पहुँचे, उनकी जरा गिनती करा दी मालूम तो पड़े कि रफीक अहमद ने क्या काम? देखिए, काम तो हमारे जितने हैं सब जनता तक पहुँचे, क्योंकि काम जैसे कौन कौन से काम, जैसे कि देखिए शादी कराई गरीब शादी, हमारी सोसाइटी जो है किसी भी गरीब लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपए फिक्स रखे हुए हैं। कोई भी क्षेत्र का शख्स अगर अपनी बेटी की शादी के बारे में बताता है तो हमारी सोसाइटी उसे 10,000 रुपए देती है। और अगर हम से कितने लोगों तक पहुँच चुका होगा? तकरीबन 350 लोगों तक ये चीज पहुँची होगी और हमने तकरीबन 3-4 लड़कियों की शादी तो हम लोगों ने बहुत अपने ये मान के चलिए कि अपने सोसाइटी में ही लेके कराई है। और 10 बच्चों को हमने अभी बहुत जल्दी बिजनौर और ढोरवा एक गांव है हमारे यहाँ तो 10 बच्चों को हमने गोद लिया है, 1 साल की फीस और उनकी कापी किताब शिक्षा की तरफ। अच्छा, इसमें आपका कंबल वितरण भी देखा हम लोगों ने, हम लोगों ने देखा कि आपने भंडारे, इस तरह के आयोजन भी करते रहते हैं समय समय पर? हाँ, तो आयोजन क्या मेन मकसद है कि लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचाना और मैं उसको अपने सीधे हाथों से पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ, उस तरह नहीं कि बिचवा बिचवा को कोई नहीं रहता मेरा, मैं दुनिया जानती कि मैंने अभी ईद पे 100 लोगों को मैंने चुना था, 100 औरतों को मैंने ईद के जोड़े दिए हैं विधवा और औरत को, और मैंने अपने हाथों से दिए। आप यकीन मानिएगा कभी किसी के हाथ या किसी हाथ नहीं भेजे, गांव-गांव जाकर के उन लोगों से मिलकर। अच्छा रफी जी, आप क्या सोचते हैं, चलो सब कुछ तो ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी चल रही है, आप काम कर रहे हैं, राजनीति में उतर गए, बसपा में है, प्रभारी हैं, इस समय एक मन में होगा ना कि आई हैव टू डू दिस, मतलब मुझे अभी ये करना है, मेरे बाप के मन में होगा कि मुझे ये पूरा करना है, ये पूरा करना, तो क्या इस टाइम मेरा जो सबसे मेरा सपना जो है वो है एक यतीम खाना और एक इंग्लिश मीडियम का 8वीं तक का स्कूल आपके गांव में, अपने गांव में, जो मैं अगले महीने आपको बुलाऊंगा और उसका शिलान्यास। अरे वाह, मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अच्छा, आपने सुना है कि भाईचारे की बात को बढ़ाने के लिए आप एक फिल्म भी लाने जा रहे हैं बीच में? हाँ, देखिए तैयारी है, इस पर तैयारी है और कोशिश कर रहे हैं कि भाईचारे के ऊपर एक फिल्म पहल हम करें जिसमें हमारे सहयोगी एक मित्र हैं रवि किशन जी, बड़े कलाकार हैं जो, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने दिल की बात पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाऊँ। ये बड़ी बात है। देखेंगे आपके फिल्म में, देखेंगे भाईचारे पर। एक आखिरी प्रश्न है आपसे, सर्वनगर विधानसभा क्षेत्र को आप किस नजर से? अपने घर की नजर से। इन दिनों तो बड़ा विवाद है, लेकिन घर की तरह घर पर विवाद है? देखिए, घर पे विवाद है, जाहिर सी बात है कि जहाँ घर है तो बर्तन हिलेगा, लेकिन विकास कैसा करता है? आप क्या लगता है परिवार इस समय जो चला रहा है वो मुखिया ठीक है? देखिए, हमारा मुखिया तो ठीक है,
हमारा नहीं, मैं आपके सुरेंद्रनगर क्षेत्र में विधायक की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है विधायिका जिस प्रकार से काम कर रही है, राज्य मंत्री जिस प्रकार से होना चाहिए, विद्यालय आपको खुलवाना पड़ रहा है? देखिए मैं एक बात बोलूं, अब्बू मरहूम ने कहा था, बेटा जिंदगी में आप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना, किसी पे आयत मत लगाना। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। हाँ, सड़कें बन रही हैं, पानी आ रहा है ठीक से, बिजली ठीक से पहुंच रही है, ये तो आप प्रचार क्षेत्रवासियों से पूछो, जब तक कि आप जानते हैं। अब वो आवाज कर रहे हैं, वो बात आखिर आगे की बात नहीं, वो बात नहीं है कि काम तो थोड़ा वो है, और शायद अब मैं क्या बोलूं, मैं राजनीति हूं नहीं, मैं भाषण भी नहीं देने पाता तो मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा, और हो सके तो ये चीज को करता हूं। नहीं मतलब इतना कहना है आपका कि मन खुश नहीं है, लेकिन इस तरह से होना चाहिए था, बात इतना है। अब देखिए भाई, उन्हें दिल के आंसुओं में निकलेंगे, नहीं आंसुओं में नहीं निकलेंगे, उन्होंने क्षेत्र ने उनको चुना है, हमारे लोगों ने उनको चुना है, वो माननीय है, और हम उम्मीद रखते हैं जो मन में आए माननीय करेगा। नहीं मन में नहीं आए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी एक साल हुआ है और शायद अभी चार साल बाकी हैं और बेहतर होगा, हम तो पांच चीज सोचते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पर क्या कहना है, किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल ठीक है सब कुछ, सेम पॉजिटिव देखता हूँ, कोशिश करेंगे। बसपा तो कहती है नहीं ठीक है। अब हमारे मुखिया हैं वो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते क्योंकि तो हमारी इतनी औकात ही नहीं, हम अपना घर नहीं देख पा रहे हैं ठीक से। अरे नहीं आप समाज में देख रहे हैं, घर का इतना चाहिए नहीं, गठबंधन ठीक है, गठबंधन ठीक है, फलेगा फुले पीछे जो देखा है सबसे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर, धन्यवाद। लगभग सारी बातचीत हुई, और बातचीत में एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति में आने के पीछे का मकसद समाज सेवा था, यानी समाज सेवी हैं अब रफी अहमद, और समाज सेवी ही बने रहना चाहते, ये नहीं चाहते किसी दल में रहकर वो राजनीति की जाए उसमें चलाए मान लें। भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, भाईचारे को स्थापित करना चाहते हैं, भाईचारे पर काम करना चाहते हैं। खैर आज के लिए कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। कैमरामैन सूरज अवस्थी के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़।